हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे सिस्टम इनपुट्स। आई होप लाइक यू माय वीडियो। नाउ स्टार्ट सिस्टम इनपुट्स। सिस्टम इनपुट्स फोर टाइप्स के होते हैं, स्टेप इनपुट, पल्स और इंपल्स इनपुट, रैंप इनपुट और साइनोसोइडल इनपुट। कौन सी? स्टेप, पल्स और इंपल्स, रैंप एंड साइनोसोइडल। अब सबसे पहले आ जाओ स्टेप इनपुट। देखो स्टेप इनपुट क्या होती है। स्टेप का मतलब मान लो हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में है, बिल्कुल सबसे निचली सीढ़ी पे, और हमने एक सीढ़ी ऊपर चढ़ लिया, यानी हमने कितना स्टेप ले लिया, एक स्टेप। यानी शुरुआत में हम बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, हमने एक स्टेप लिया आगे, तो हम एक लेवल पे आ गए हैं। तो यही चीज़ है। देखो इस डायग्राम में देखो, एफ फंक्शन ऑफ टी और टी के बीच में है। अगर टी की वैल्यू अगर हमारी लेस देन जीरो है तो हमारा क्या है, जीरो ही वैल्यू है, जीरो स्टेप है, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा। देखो यूँ है, स्टार्टिंग में ये वाला, अभी टी की वैल्यू जीरो से लेस है, यहाँ पे जीरो है, जीरो से लेस है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। देखो इस फंक्शन में दिखा रहा है कि एफ ऑफ टी क्या है, जीरो है, जब टी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, और टी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाती है, तो हमने उसने एक स्टेप ले लिया। कितना स्टेप ले लिया, ये वाला ए स्टेप, ठीक है, ये ए। इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से ले गए यहाँ तक कितना है, ए। तो जब टी की वैल्यू जीरो और ए से ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक स्टेप हो गया, स्टेप इनपुट, ठीक है। ऐसे आगे आ जाओ पल्स और इम्पल्स इनपुट। पल्स इनपुट इनपुट मतलब एक पल्स बन जाएगी, देखो इस तरह की ये बन रही, ठीक है, दिखा देता हूँ इस तरह की। एफ ऑफ टी और टी के बीच में हम लेंगे जब ग्राफ, तो क्या होगा, एफ ऑफ टी, यानी कि जब तक हमारी वैल्यू टी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तब तक उसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ टी की जीरो होगी यहाँ से यहाँ तक। जब इसके बीच में आ जाएगा, जीरो से लेके बी के बीच में वैल्यू आ जाएगी, तो वो कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, ये मान लो ए है, ए बाई बी हो जाएगी वो वैल्यू, और जब बी से ज़्यादा हो जाएगा हमारा स्टेप, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, फिर दोबारा जीरो आ जाएगी। तो स्टेप किस तरीके से बन गया, ये पल्स बन गई एक तरीके से, पल्स और इम्पल्स। तो जब टी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो हमारी फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू क्या है, जीरो। बी से ज़्यादा है तो भी वैल्यू क्या है, जीरो, और जीरो और बी के बीच में क्या होगी, वैल्यू ए बाई बी। देखो यही देर की होगी हमारी, जब टी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो जीरो है, टी की वैल्यू जीरो और बी के बीच में है तो ए बाई बी है, टी की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो वैल्यू जीरो है, ठीक है। तीसरा आ जाओ रैंप इनपुट, ठीक है। रैंप सिंपली रैंप के नाम से पता लग रहा है, रैंप कैसा होता है अपना, तुम्हारा ये मान लो सरफेस है, रैंप क्या हो जाएगा, ये इस तरीके रैंप लगा दिया, रैंप सरफेस, ठीक है। मान लो इसमें हम ग्राफ बना रहे हैं, ये इधर एफ ऑफ टी है और इधर क्या है, टी, तो ये टाइम जीरो है, तो जीरो से पहले उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है कितनी होगी, जीरो, और जीरो के बाद में क्या हो जाएगा, मान लो इसका स्लोप है वो बी हो गया, तो वाई इज इक्वल टू बी टी होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टी। जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स मतलब वाई है, वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम एक्स। एम क्या होता है, स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप अगर हम बी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, बी, और इधर एक्स की बजाय क्या है, टी, तो क्या इसके इक्वल होगा, बी इंटू टी। तो जीरो होगी एफ ऑफ टी की वैल्यू जब टी लेस देन जीरो है, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे बी टी। चौथा आ जाओ साइनोसोइडल इनपुट। साइनोसोइडल मतलब साइन की फॉर्म में। तो साइन की फॉर्म में कैसा, साइन फंक्शन कैसा होता है हमारा, इस तरीके से मान लो हम ये बना देते हैं ग्राफ, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, साइन फंक्शन का ग्राफ। और अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जब तक वैल्यू हमारी टी, इधर टी है, ठीक है, तो जीरो से कम जब तक वैल्यू है तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, और जब जीरो से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। ये मैंने तुम्हें उसमें पढ़ा रखा बी ट्रिपली में भी, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। तो यही देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, जीरो, जब टी क्या है, लेस देन जीरो, और टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, क्या हो जाएगा हमारा, ए साइन ओमेगा टी।